काकीनाड़ा में गणेश पूजा के बाद अब विसर्जन का धूम मचा हुआ है। चारों तरफ तस्वीरें दिखाएं, सिर्फ सड़कों पर लोग ही नजर आएंगे क्योंकि इसके बाद जो है काकीनाड़ा में विसर्जन हो रहा है गणपति बाप्पा का, और चारों तरफ श्रद्धालुओं की धूम मची हुई है। श्रद्धालु जो है रास्ते के दोनों किनारे पे मौजूद है, और इस बीच आकर्षण का केंद्र बना भाटपाड़ा साहू समाज का ये मंच, जहां पर एक ऐसे कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। उस तस्वीर को हम लोग लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समाज के जितने भी कर्मधार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज विसर्जन हो रहा है, काकीनाड़ा का ये परिवेश कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन है। देखिए, ये लाखों की तादाद में भीड़ है और जगह नहीं है न बैठने उठने न चलने का, काफी सुंदर है व्यवस्था भी। और क्या कहेंगे, आज के दिन को किस तरह से देखते हैं, जहां पर 5 दिनों तक बारिश नहीं हुआ, ये किसका दिन है जहां पर बारिश की आकलन की जा रही? देखिए, गणेश बाबा का तो महत्व है, उनका तो महत्व काफी है। जब चाह लेते हैं तो खुशी ला देते हैं, चाह देते हैं तो बर्बाद भी कर देते हैं, तो खुशी का माहौल किए हुए हैं। तो सीधी तस्वीर आपने देखा जहां पर एक सीनियर व्यक्ति कह रहे हैं कि खुशी का माहौल है और बाप्पा मौर्या का आशीर्वाद है जिसके कारण से 5 दिनों तक बारिश नहीं हुआ। हमारे साथ अजय जी, इनसे बात करेंगे, इस बार काकीनाड़ा का पूजा परिवेश कैसा रहा और आज विसर्जन का दिन को क्या कहेंगे? ये लगता है मुझे बहुत वर्षों के बाद काकीनाड़ा फिर वही पुरानी विख्यात जो था वो फिर प्राप्त कर रही है, जिसके कारण आज जो मतलब यह प्रकृति का देन कहें, यहाँ जो कि 6 दिन आज हो गया, 6 दिन में कभी भी बारिश नहीं हुई शाम को, जिससे कि यहाँ पर जितने भी बेचने वाले गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने बहुत सारा आनंद भी लिए, और जितने भी दर्शनार्थी लोग हैं वो सही तरीके से अपने परिवार बाल बच्चे के साथ घूम रहे हैं, अपने गणेश पूजा को एंजॉय कर रहे हैं। बैरकपुर लोकसभा के सांसद अर्जुन सिंह जब कल इस मंच पर उपस्थित हुए थे, हमने सवाल किया था कि भाटपाड़ा साहू समाज लोगों के लिए किस तरह से खरा उतरेगा। आइए, सेक्रेटरी हमारे सामने है इस वक्त, दीपक यानी टुनटुन जी, और क्या कहेंगे इस बार सांसद ने जिस प्रकार से कहा कि लोगों के लिए ही काम करने के लिए इस समाज में साहू समाज भाटपाड़ा साहू समाज को स्थापित किया गया, क्या बोलेंगे? नमस्कार, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर को आज गणेश विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाखों की भीड़ है हम लोगों के यहाँ पे, अशांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन हो रहा है। इस भाटपाड़ा साहू समाज के बैनर तले हम लोग जितने भी हमारे एरिया के जो भी गरीब तबके का जो भी जरूरत है हम लोग उसका सहयोगिता करेंगे, चाहे जिस प्रकार से भी हो, ठीक है। इसी के लिए हम लोग अपने माननीय सांसद को भी बोले हैं, वो हम लोग को बोले हैं हर तरीका से सपोर्ट करेंगे, जिस भी तरीके से जो भी लगेगा वो देंगे। हम लोग सब मिलके, पूरे मेंबरों के साथ सब मिलके, जो भी नीचे तबके के जो भी लोग हैं उनका भरपूर सहयोग करेंगे। इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि आकर्षक का केंद्र बना हुआ ये मंच, आखिर ये जो कलाकार है इनको कहाँ से लाया गया और क्या परिचय है? भैया हैं, हम लोग के पास ही रहते हैं, अच्छा बजाते हैं माउथ ऑर्गन, अभी तक आपने उन्हीं का सुना है, फिर सुनिएगा उन्हीं का। चलिए, हम लोग ठीक उनसे ही मिलना चाहेंगे, और इस बीच यहाँ पर भरत यादव जी भी है, इनसे भी बात करेंगे। ये जो इनका जो कला है, ये जो प्रदर्शित कर रहे हैं माउथ ऑर्गन, क्या बोलेंगे, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इनके कला को जितना सराहना की जाए उतना ही कम है, बहुत ही अच्छे कलाकार है जो कला को अपने प्रस्तुत किए हैं, और अपने भाटपाड़ा साहू समाज के मन से इनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनके कला को सुनकर यहाँ पूरे लोग एकत्रित हुए हैं, और गणपति विसर्जन में पूरे जनता जनार्दन माता बहन सभी अपने आनंद को उठा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और गणपति भगवान के तरफ से बारिश भी नहीं हो रहा है, बहुत मैंने अच्छी बात है कि सुबह में बारिश होती है, शाम के बारिश नहीं हो रही है, पूरे जनता जनार्दन मैंने भगवान जनता जनार्दन पर पूरे खुश हैं हमारे काकीनाड़ा, इसलिए बारिश नहीं हुआ। तो बाप्पा मौर्या का आशीर्वाद है काकीनाड़ा के इस शहर में, इसीलिए मिनी मुंबई इसे कहा जाता है। हमारे साथ वो कला को प्रदर्शित कर रहे हैं जो ये भाटपाड़ा साहू समाज का मंच है। चारों तरफ देखिए लोग यहाँ पर अपने मोबाइल को लेकर के कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं इनके कला को। ये माउथ ऑर्गन कहाँ से बजाना आपने?
ये मैंने यूट्यूब से सीखा है। मैंने यूट्यूब से सीखा है मोतरगन भैया ने। यूट्यूब से? हाँ। तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब से सीखे हैं ये, लेकिन यूट्यूब से कुछ लोग गलत दिशा में भी चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीजें खराब नहीं होती है, बस सीखना है जो सही तरीके से सही चीज को सीखा जाए। आज जो है कितने गानों को आप इससे प्रदर्शित करते हैं? आज तो मैंने करीब 15 करीब किया था, मैं 10-15 गाने करीब में किया, और कल भी था मेरा प्रोग्राम, परसों भी था, तो 2-3 जगह में, अलग अलग जगह में लोग बुलाते हैं और मैं वहाँ पे करता हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है इनका ये कला जो है, ये प्रदर्शित जो कर रहे हैं, लोगों का भीड़ लग रहा है इस मंच पर? बहुत अच्छा लग रहा है, जो कला जो कर रहे हैं बहुत शानदार है और अच्छा ही रहेगा, बहुत तरह का और शानदार ही रहेगा। तो हम लोग जिस कला की बात कर रहे हैं उस कला को प्रदर्शित खुद करेंगे अभी, और इस तस्वीर को भी हम लोग दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक तरफ काकीनाड़ा बाजार का ये दृश्य देखें, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जो है विसर्जन के लिए बप्पा मौर्य को अंतिम विदाई देने के लिए यहां पर उपस्थित हुए, और लगातार लोगों का तादाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। आइए इनके कला को दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से आज जो है मौत ऑर्गन से किसी भी गाने को, किसी भी धुन को अपने जुबान से बजा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपको कला दिखा रहे हैं माउथ ऑर्गन बजाकर कैसा अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत लग रहा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत पूजा भी बढ़िया से शांति हुआ, बहुत बढ़िया से अच्छा मिल रहा है। ये जो सुन पा रहे हैं आप लोग कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा। आप लोग पुराने जमाने के लोग हैं, इस तरह का धुन अब सुनने को कम मिलता है, जो इनका कला है, और ये कह रहे हैं कि यूट्यूब से सीखे हैं, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा है। आजकल के मोबाइल में बच्चे गुम हो जाते हैं, गेम में गुम हो जाते हैं, और उसी से मोबाइल से इन्होंने कला सीखा है, इसको किस तरह से? म्यूजिक में आवाज जो निकाले बहुत दिया, बहुत बढ़िया है, म्यूजिक में निकाले बहुत बढ़िया है, हमको देखने में बहुत संदेश मिला। तो लोग भी इसका सराहना कर रहे हैं, और उनकी पत्नी भी आई हुई है, इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आइए बप्पा मौर्य का नजारा देख रहे हैं और बाप्पा को अंतिम विदाई देंगे। बोलिए गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। कैसा लग रहा है काकीनाड़ा का ये उत्सव? बहुत अच्छा लग रहा है।
को छोड़ जाता है और आगे की तस्वीर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हम दर्शन कराएंगे आपको इसरो के द्वारा जो प्रयास रहा और इस प्रयास को देखने के लिए लोगों को चलिए इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।